अहंकार का डर त्याग कर और भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। कल भी रात को जैसे लेक्चर हो रहा था, पता नहीं आप में से कितने लोग थे वहां पर, हम देवी देव डरते हैं, देवी देवताओं के पास भी भागते हैं। तो कल मैंने भस्मासुर की कथा सुनाई थी कि भस्मासुर जो है किस प्रकार उसने वरदान प्राप्त कर लिया था, शिव जी को प्रसन्न कर लिया, वरदान दे दिया। शिव जी देवों के देव महादेव है, शिव जी भगवान जैसे हैं पर फिर भी भगवान नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो कहे गए हैं कि परम भगवान वो है। शिव जी जो है वैष्णव यथा शंभु वैष्णव है, परम वैष्णव है। उनकी कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते, वो परम वैष्णव है, उनसे ही कृपा मांगनी पड़ती है और फिर भगवान मिल जाता है। तो शिव जी हर वो स्थान पर है जहाँ कृष्ण स्वयं विराजमान है। आप कहीं भी चले जाइए, शिव जी के जो हमेशा मंदिर मिलेंगे वो भगवान के मंदिरों के पास मिलेंगे। तो शिव जी जो है भस्मासुर को वरदान दे देते हैं, भस्मासुर अमर होना चाहता था। भस्मासुर इतनी कठोर तपस्या करता है कि शिव जी को आना पड़ता है। शिव जी उसे दर्शन देते हैं, भस्मासुर कहते हैं मुझे वरदान दीजिए कि मैं कभी ना मरूं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु लिखी है, तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी सर 100 साल देवताओं के जीते हैं, वो हमारे बहुत लाखों करोड़ों वर्ष बन जाते हैं, पर उनकी भी आयु है। तो सब देवी देवताओं को जाना पड़ता है। शिव जी कहते हैं ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो कहते हैं वो अपनी चालाकी करता है, कहते हैं अच्छा ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वो बस हो जाए। शिव जी बहुत सोचते हैं पर फिर भी कहते हैं ये मेरा शिष्य है, इसने बड़ी गलती कर दी है मेरे लिए, तो मैं इसको ये वरदान दे। पर उसके अंदर तो पाखंड था, भस्मासुर तो गुरु का भी नहीं था। भस्मासुर ने जैसे ही ये वरदान मिला, भस्मासुर शिव जी के पीछे ही भाग पड़ा, उन्हीं के वो छूना चाहता था, उन्हीं के सर पे हाथ रखना चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं। शिव जी की मदद के लिए पहुंचे भगवान, भगवान आए मोहिनी रूप में, कृष्ण उपस्थित हुए मोहिनी रूप में, और भस्मासुर मोहित हो गया उस रूप के ऊपर। वो सोच रहा है कोई बड़ी सुंदर स्त्री है, वो मोहिनी रूप के पीछे मोहित हो भगवान के पीछे चल रहा था। और भगवान भी जानते थे, भगवान ने तो छलने के लिए रूप लिया था, भगवान ने भस्मासुर को छल लिया, भस्मासुर से कहा मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। तो भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतनी सुंदर स्त्री मुझसे शादी करेगी। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम बहुत ही सुंदर हो। भस्मासुर को बड़ा कहा, कुरूप था, सुंदर नहीं था, पर भगवान ने कहा तुम सुंदर हो, मैं तुम्हें रीझ गई हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो भस्मासुर इतना प्रसन्न हो गया, भूल गया, वो सब कुछ भूल गया और उस स्त्री के मोहिनी के पीछे लग गया। तो मोहिनी ने कहा कि पर मेरे पास एक शर्त है कि तुम्हें भी नृत्य आना चाहिए, जैसे मैं बड़ा सुंदर नृत्य करती हूँ तुम्हें भी नृत्य करना होगा। भस्मासुर मोहित था, कुछ भी करने को तैयार था, वो उसे नृत्य की सीखने लगा कि नृत्य कैसे करना है। वो उसको नृत्य करने के अलग अलग अंग दिखा रही थी मोहिनी कि कैसे करना है। भस्मासुर उसी में खो गया। तो मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख लिया और वही भस्मासुर भस्म हो गया। तो भगवान जानते हैं कैसे करना है सब कुछ, कैसे भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, आधे मनुष्य और आधे सिंह बनकर, मोहिनी रूप में आते हैं, सुंदर स्त्री अप्सरा जैसी बनकर। तो हम सबके लिए ये मैसेज है कि भगवान की शरणागति लेंगे तो भगवान हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमेशा हमारे लिए, हमारी भक्ति जितनी हम भक्ति करेंगे उतना भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा, तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं खुद लेकर आऊंगा और जो है उसकी भी रक्षा मैं ही करूंगा। पर ये विश्वास रखना, भगवान कहते हैं ये अटूट विश्वास होना चाहिए। भक्ति सिर्फ विश्वास है, विश्वास पर भक्ति जीती है, भक्ति में और कहीं से भक्ति शुरू नहीं होती, भक्ति विश्वास से ही शुरू होती है। जितना विश्वास होगा उतने गहरी भक्ति होगी, विश्वास कमजोर होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भगवान पर विश्वास होना चाहिए और विश्वास होगा और नाम जपेंगे तो ये विश्वास बढ़ता चला जाएगा। भगवान हर समय अपनी अनुभूति कराएंगे, हर समय आपको दिखाएंगे कोई ना कोई चमत्कार आपके जीवन में आपके सामने। तो इसलिए भगवान को शरणागति देने में कोई नुकसान नहीं है,
मोक्षामी मां सुचा, भगवान कह रहे हैं तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर ले जाओगे, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हमें फिर दोबारा किसी भी संसार के किसी कोने में जन्म न लेना पड़े, ना इंडिया ना अमेरिका ना कनाडा, हमें कहीं जन्म ना देना पड़े, हम भगवत धाम वापस लौट जाए अपने घर जाकर। गुरुनाथ देव जी कहते हैं हम सब स्त्रियां हैं, सबको अपने ससुराल जाना है क्योंकि कृष्ण एक ही पति है सबके, सबने सोरे बन जाना, सबने अपने ससुराल जाना है, पर ससुराल जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हमें मायके में भेजा गया है कि हम सुधर कर आए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सब स्त्री लिंग है, आत्मा सारी स्त्री लिंग है। तो उन्होंने कहा है कि सबको ससुराल आए हैं, सब तैयारी करने आए हैं, मायके आए हैं, सब तैयारी करने, सबको अपने ससुराल वापस जाना है। तो एक ही पति है सबके, वो है कृष्ण। तो आप सबसे यही विनम्र वृत्ति है कि हम सब माला का जप करें और प्रसाद का सेवन करें। जितना हृदय शुद्ध होगा प्रसाद खाने से, जीवा शुद्ध होगी प्रसाद खाने से और हरि नाम करने से, ये दोनों गुणों से हम शुद्ध हो सकते हैं। और जितनी कथा सुनेंगे भगवान की, उतना ही कीर्तन कर पाएंगे भगवान के नाम का, और जितना कीर्तन करेंगे उतना ही स्मरण भगवान को याद रख पाएंगे। तो भगवान को याद रखना भी बड़ा कठिन है, सरलता से भगवान याद नहीं आते, अपना परिवार अपने फैमिली मेंबर सब याद रहते हैं, भगवान याद नहीं आते। तो भगवान हर समय कैसे याद आए? हमने तो एक फिक्स टाइम दे दिया भगवान को याद करने का कि सुबह अगरबत्ती जलानी है, शाम को दीप जलाना है या सुबह दीप, कोई रूटीन बनानी है बस, और उस रूटीन में ही बिना किसी भाव के करते जा रहे हैं। तो भाव बहुत जरूरी है, भगवान भाव के भूखे हैं, आपके अंदर भगवान के प्रति भाव होना चाहिए और वो भाव आपके एक्शंस में आपके कर्मों में दिखता है और वो दिखना चाहिए। तो सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, कई हम चीजें करते हैं सिर्फ करने के लिए, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, जीवन में उतारना है इनको कि ये जीवन का अंग बन जाए। कई ऐसे काम है जो हम सिर्फ करते हैं कि करते हैं ये बस, पर भगवान उसमें इमोशंस नहीं होते, हमें अब भगवान को इमोशंस दिखाने हैं कि हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, आई रियली केयर फॉर यू। तो जब हम कहते हैं आई केयर फॉर यू, तो हम किसी के कहते हैं कि मैं आपकी केयर करता हूँ, तो केयर दिखनी चाहिए। आप किसी को कहें मैं आपकी केयर करता हूँ, आप उसको पानी भी ना पूछे, आप उसको आप उससे बात भी ना करें, तो ये केयर नहीं है। भगवान का जप करना भगवान से बात करना है, भगवान को भोग लगाना ये भगवान की केयर करना है। उनको वो घर में आके आप उनको पानी भी ना पूछे, आप खुद सब कुछ खाते रहे जो आपका मन कर रहा है, उनके आगे उनको कुछ भी ना पूछे, तो ये केयर नहीं होती है, दिस इज नॉट लव। तो हम भगवान को केयर करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमें भगवान को जो हम खाते हैं उससे पहले उनको खिलाना है, और वही खाना है जो वो खाते हैं, और नाम जप करना है तो ये भगवान से बात करना है। जब हम जप करते हैं ये भगवान से बात करते हैं, नहीं तो हम भगवान से बात क्या करते हैं कि आप मुझे ये सामान दे दो, यही बात करते हैं, ये मेरी इच्छा है ये पूरी कर दो, ये तो भगवान को हम अपना सेवक बनाते हैं, हम सेवक नहीं बनते, उनको सेवक बनाते हैं। भगवान खुश होते हैं जब आप उनको उनका जप करते हैं, उनका गुणगान है ये जप करते, किसी का नाम बार बार लेते हैं तो उसका गुणगान है। घर में किसी बच्चे से ज्यादा प्रेम हो तो सब काम उसी को कहते हैं, सब कहते हैं वो लाडला है आपका, आप उसी को बुलाते हैं बार बार, तो ऐसे ही भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान सबके लाडले, सबके प्यारे हैं, तो नाम कितना लेंगे वो हमारा प्यार देते हैं उनके लिए, तो नाम उनसे बात करना है। इसलिए मेरे साथ सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। ये भगवान से बात करना है तो इसका अभ्यास कीजिए, अपने घर में भी जप को अपनाइए, क्योंकि ये भगवान से आप बात करते हैं और भोग लगा कर खाइए। हरे कृष्णा।